Read out the question number 10. An unpolarized beam of intensity I naught is incident on a pair of nicoles making an angle of 60 degree. मतलब दो निकोल हैं, उनका पेयर और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है. विद ईच अदर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द पेयर इज, लाइट की इंटेंसिटी. तो मालूम लो, हमने पढ़ा हुआ है, यहां से देख के मुझे याद आता है कि अकॉर्डिंग टू मालूस लॉ, क्या कहता है मालूस लॉ, कि जो आई डैश होगा वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा. अच्छा, पहले निकोल की बात करते हैं, इंटेंसिटी आफ्टर इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑन फर्स्ट निकोल. ठीक है, तो फर्स्ट निकोल के बाद जो आई डैश आएगी वो अगर आई नॉट रही होगी तो उसका आधा हो जाएगी. ठीक है, आई नॉट दिया हुआ है, आई नॉट कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई टू. अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड निकोल की, तो सेकंड निकोल पे क्या हो जाएगा, सेकंड निकोल पे मैं मानता हूं आई डैश, क्या मानता हूं, तो आई डबल डैश हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा. एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं आई डैश की वैल्यू है आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 60 डिग्री. ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डबल डैश मतलब सेकंड निकोल के बाद जब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो आई डबल डैश है, हो जाएगी आई नॉट बाई टू, ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई टू का होल स्क्वायर. तो अपने पास आंसर आ जाएगा आई नॉट इजिकल टू 4 और ये हो जाएगा 8. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एक बार नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10.